हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज के क्लास में हम लोग फिर से नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13, जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। तो इस चैप्टर के हमने बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी कर चुका है, और जो लास्ट हमारा क्लास था उसमें हम लोग ने नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो थ्रू आउट आपके लाइफ आपका काम आएगा अगर आप केमिस्ट्री को एज अ स्ट्रीम आपके लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स लेके या केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी अगर इन फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और IUPAC नेम आप लोगों को पता होना ही चाहिए। और ये जो है आपका क्लास 12th में भी इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ होगी, क्योंकि आपको नॉमेनक्लेचर तो ज़रूरत है ही। ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है, इसीलिए हम लोग नॉमेनक्लेचर को कर रहे हैं। तो जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट किया था कि जो कि उनके नेम्स थे IUPAC नेम्स, और हम उनका कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना सीख रहे थे। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैसे ही कुछ और कंपाउंड, जिसमें कि हम लोग करेक्शन करेंगे, यानी कि वो जो कंपाउंड का IUPAC नेम है वो करेक्ट है या नहीं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर वो करेक्ट नहीं है तो उसका करेक्ट आंसर क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 2,2-diethylbutane। तो सबसे पहले मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि हम लोग पहले मेन चेन जो है आपका कार्बन कंपाउंड का उसको देखेंगे। तो इस कंपाउंड में आपका सबसे मेन चेन कौन सा है? ब्यूटेन है। और उसके आगे का जो भी पार्ट है वो क्या होगा? साइड चेन्स होंगे, यानी कि उसके साइड में जो भी ब्रांचेज होंगे वो आगे का पार्ट होगा। तो जैसे कि ब्यूटेन है, यानी कि मीथ ईट प्रो ब्यूट, यानी कि चार कार्बन एटम्स इस मेन चेन में होंगे। तो सबसे पहले हम लोग चार कार्बन मेन चेन में ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद उसके आगे का जो है पार्ट उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या बना हुआ है। उसके आगे के पार्ट में आप देख सकते हैं 2,2-diethylbutane है, यानी सेकेंड पोजिशन पर 2 ethyl है। यानी कि इथाइल का मतलब क्या? 2 कार्बन एटम्स होंगे, यानी कि C2H5 होंगे। किस किस पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। तो ये जो सेकंड पोजीशन है इसमें C2H5, यानी इसको अगर हम लोग एक अलग तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा CH2CH3, यहाँ पे भी CH2CH3, ये इस तरह से कंपाउंड बनेगा। और जितने भी बाकी जगह हैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे इस तरह से, जितने भी बाकी जगह वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होंगे, ताकि ये कोवेलेंट बॉन्ड, चार कोवेलेंट बॉन्ड फाइंड हो जाए। अब हम लोग करेक्शन करेंगे कि ये सही है या नहीं। इसे सही करने के लिए सबसे पहला हम लोग का जो स्टेप है, हम लोग देखेंगे कि जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है वो मेन चेन है या नहीं। हम जानते हैं कि जो सबसे लंबा जो चेन होगा वही आपका मेन चेन होना चाहिए। यहाँ पे मेन चेन क्या दिया गया है? ब्यूटेन दिया गया है, यानी ये जो चेन है इसको हम लोग मेन चेन बोल रहे हैं। लेकिन ये 4 कार्बन एटम्स का चेन है। अगर हम इसे काउंट करें यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, या फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अगर हम लोग काउंट करें तो 5 हो रहे हैं, यानी कि पेंटेन हो रहा है, ब्यूटेन नहीं हो रहा है। और हम लोग को क्या कंसीडर करना? लॉन्गेस्ट चेन काउंट करना है। इसीलिए ये गलत है, ये नहीं होगा। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर प्रेफरेबल होगा, यानी ये नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 होगा। क्लियर? अब 5 जब हो गया तो ये थर्ड पोजीशन पे देखिए क्या है। ये आपका एक मिथाइल है, ये एक मिथाइल है, और ये एक मिथाइल है। क्लियर? ये एक मिथाइल यहाँ पे आ जा रहा है आपका, यानी जो आपका थर्ड पोजीशन है वहाँ पे आपके 2-2 मिथाइल अटैच है। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन तो होगा ही, ये हो जाएंगे आपके 3,3-dimethyl पेंटेन। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे आपके 2 मिथाइल कंपाउंड्स आपके अटैच है। नाम ये नहीं होगा ब्यूटेन ना होके, ये एक पेंटेन चेन है, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन एटम्स का है। इस तरह से आपको जो गलती है उसको हम लोगों को फाइंड करना होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 2-ethyl-3-methyl heptane। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हेप्टेन है, यानी कि 7 कार्बन एटम्स का एक चेन होगा। सबसे पहले 7 कार्बन एटम्स हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 कार्बन एटम्स का चेन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे?
जो हमारा फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल बोल रहा है और मिथाइल जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, यानी अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे बोल रहा है कि फिफ्थ पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप है, यानी जो फिफ्थ पोजीशन है वहाँ पे इथाइल है यानी कि CH2CH3 और थर्ड पोजीशन पे क्या है, एक मिथाइल है, यानी थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल है आपका, बाकी जितने भी जगह हैं वहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो ये था आपका अकॉर्डिंग टू आपकी इस जो आपका IUPAC नेम के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। बट हम लोगों को गलतियाँ फाइंड करनी है, इसमें गलती क्या हो सकती है, यहाँ पे गलती ये है कि आप देखिए अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो मिथाइल भी थर्ड पोजिशन पर है और यहाँ से देखेंगे तो इथाइल भी थर्ड पोजिशन पर है। हम हमेशा लोएस्ट जो लोएस्ट सम वाला जो एटम होता है, जो छोटा हमारा जो साइड चेन होता है, हम उसको कंसीडर करते हैं नेमिंग करने के टाइम, बट नाम देने के टाइम हम क्या करते हैं, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। लेकिन ये दोनों सिंस ये जो मिथाइल और ये जो इथाइल है ये दोनों ही थर्ड पोजिशन पर है, यहाँ से ये थर्ड पोजिशन पर है, यहाँ से ये थर्ड पोजिशन पर है, 1, 2, 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3 पोजिशन पर है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इथाइल को कंसीडर करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल को हम लोग को कंसीडर करना चाहिए। तो इसका नेम जो है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 3-ethyl-5-methyl और जो हेप्टेन है वो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये हेप्टेन चेन है, इसलिए हेप्टेन वैसे रहेगा, बस नेम चेंज हो जाएगा। हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे ना कि यहाँ से काउंट करें, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि इन दोनों का स्पेस जो है, पोजीशन जो है वो दोनों साइड से बराबर है, इसका भी थर्ड पोजीशन पे है, इसका भी यहाँ से गिनेंगे तो थर्ड पोजीशन पे है। ये हो गया सेकंड का सोल्यूशन। अब थर्ड नंबर को अगर आप देखेंगे तो आपको ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है, ड्रॉ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि आप उसका नेम देख के ही आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको पता है रूल्स जो है तो आप देख के ही समझ सकते हैं। कैसे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे देखिए जो M है मिथाइल जो है वो पहले है और इथाइल जो है वो बाद में है। अगर आप लोगों में से कोई ये सोच रहा है कि जो मैं बोलने वाली हूँ तो आप लोग करेक्ट सोच रहे हैं, इथाइल जो है वो पहले होगा और मिथाइल जो है वो बाद में होगा। क्यों बाद में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए इनका नेम जो है वो इस तरह से नहीं होगा, पहले इथाइल को लिखेंगे देन हम लोग मिथाइल को लिखेंगे। हेक्सेन है इसीलिए हम लोग पहले 6 कार्बन जो है उसको ड्रॉ कर लेंगे, 6 कार्बन का एक चेन बन गया। देन हमारा क्या है, सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल है और थर्ड पोजिशन पे इथाइल है, पहले नंबरिंग कर देंगे हम लोग इसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बोल रहा है किस पोजिशन पे है, सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल है, थर्ड पोजिशन पे इथाइल, थर्ड पोजिशन पे इथाइल है और सेकेंड पोजिशन पे आपका मिथाइल है। क्लियर है ये चीज़। अब हम लोग इसका नेमिंग अगर देंगे, सबसे पहले नाम किसका दिया जाएगा, इथाइल का नाम दिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3-ethyl and 2-methyl, जो है हेक्सेन वो लास्ट में आपका वैसे ही रहेगा, इस तरह से नाम दिया जाएगा। तो आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट चेन का ध्यान रखना होगा, पोजिशंस का ध्यान रखना होगा और हम लोग को ध्यान रखना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या नहीं, इस तरह से हम लोग जो किसी भी कंपाउंड का नेम देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा आइसोमेरिज्म पार्ट से है, तो वो भी हम लोग आज देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ एल्केन करेस्पॉन्डिंग टू द मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H14, ऑल्सो राइट देयर IUPAC नेम्स। C6H14 जो है उसके कुछ आइसोमर्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करने होंगे और उसके IUPAC नेम्स लिखने होंगे। आइसोमर्स हम उन्हें बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्म्यूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं और साथ ही क्या डिफरेंट होता है, IUPAC नेम भी डिफरेंट होता है। क्लियर, जैसे कि हमें पता था कि जो ब्यूटेन है उसके अलग अलग आइसोमर्स थे, N ब्यूटेन भी था
और हमारा क्या था, आइसोप्रोपेन था, या अब जैसे पेंटेन का हो गया आइसोब्यूटेन था, और हमारा नियोपेंटेन था, इस तरह से अलग अलग नाम उसके थे। वैसे ही ये जो है आपका C6H14, उसके भी डिफरेंट कंपाउंड्स आपके स्ट्रक्चर जो होंगे वो हो सकते हैं, उनके IUPAC नेम्स भी अलग होंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा C6H14, हमारा हेक्सेन का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम लोग वो देख लेंगे। सबसे जो पहला है, सबसे सिंपल, उससे स्टार्ट करेंगे। उसके लिए नंबर वन में हमारा होगा 6 कार्बन एटम्स होंगे, 4, 5 एंड 6, और सब में हाइड्रोजन्स आपके अटैच हो जाएंगे, ताकि कोवेलेंट बॉन्ड का जो हमारा प्रोसेस है वो भी फॉलो हो जाए। इसका नाम हो जाएगा एन हेक्सेन। यहाँ पे C6H14 है, यानी देख लेते हैं, कार्बन हमारे 6 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई करता है, ये C6H14 है और ये इसका IUPAC नेम है, एन हेक्सेन इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर, ये फर्स्ट है। सेकेंड हमारा क्या हो सकता है, हम ये जो आपका एक का आपका कार्बन जो होगा वो आपका किसी एक जगह पे अटैच हो जाएगा, एक ब्रांच बन सकता है, यानी ये एक पेंटेन बन सकता है, 3, 4 एंड 5, और इस पोजीशन पे एक CH3 अटैच हो सकता है, ये इस तरह से आपके हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए C6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 C6 है, एच कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये भी आपके C6H14 है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पोजीशन पे आपका मिथाइल है, यानी 2-methyl, और आपका मेन चेन क्या है, एक पेंटेन है, तो ये हो जाएगा पेंटेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पे, उसी तरह से ये थर्ड पोजीशन पे भी हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन IUPAC नेम चेंज हो जाएगा। तो एक और इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, सेम हम लोग को एक पेंटेन ड्रॉ करना होगा, ये पेंटेन हो गया, इस पोजीशन पे आपका CH3 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर पे एक मिथाइल, यानी कि 3-methyl पेंटेन। क्लियर, 3-methyl पेंटेन हो जाएगा, ये भी हो सकता है। एक और ये हो सकता है कि आपका एक ही जो ये मिथाइल है ये दोनों एक ही पोजीशन पे हो, ऐसा भी तो हो ही सकता है ना, तो कैसा हो सकता है, ये आपका हो जाएगा तब ब्यूटेन हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा, हाइड्रोजन्स लग जाएंगे यहाँ पे, इस पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप्स 2 हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, C6H14 यहाँ पे भी है। नेम क्या हो जाएगा इसका, 2-2-dimethyl, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल्स है, नाम हो जाएगा इसका मीटिथ प्रोब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। ये भी एक इसका आइसोमर्स है, किसका, C6H14 का। एक और इसका ये हो सकता है, ये हो गया इसके आइसोमर्स, और नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके हमने सेकेंड पोजीशन पर देखिए। एक और आप सोच रहे होंगे कि अगर हम उल्टे तरीके से लें तो ये कैसे होगा, अगर हम इसी पोजीशन पर फिर से लेंगे तो भी तो ये 2 हो जाएगा ना, ये आपका सेकेंड पोजीशन पर हो जाएगा, ये भी आपका 2-2-dimethyl हो जाएगा, क्योंकि हम इसे काउंट यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से ना करके हम ये इधर से हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन जिस तरफ से होगा हम उधर से ही काउंटिंग करते हैं, तो ये भी आपके सेकेंड पोजीशन पे ही आ जाएगा। इसीलिए इतने ही जो है आपके इस आइसोमर्स आपके बन सकते हैं, किसके, आपके C6H14 के हैं। अगर आपको इसके और भी जहाँ हो सकते हैं तो आप लोग इसका ड्रॉ करके डायग्राम आप कर सकते हैं। ये हो गया आपके C6H14 के। अगर हम किसी हेप्टेन का अगर या ऑक्टेन का बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना होगा कि वो सही पोजीशन पे है या नहीं, और उसका IUPAC नेम जो है वो करेक्ट है या नहीं, वो करेक्ट है या नहीं, हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें भी हम लोग कुछ और नॉमिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, IUPAC नेम्स हम लोग
बनाना सीखेंगे, या फिर जो कंपाउंड्स होंगे उसके नेम्स हम लोग किस तरह से बनाएंगे वो हम लोग करेंगे, क्योंकि आज के क्लास में हमने ऑलरेडी बहुत सारा कर लिया है कि नेम दिया गया है, उसके कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाना हमने सीख लिया है। अगला क्लास हमारा ऐसा होगा कि स्ट्रक्चर्स दिए हुए होंगे और उसका हम लोग नाम देना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।